नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सोन। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि कुछ कर जाओ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है मैं अपनी कहानी बताऊंगा कि मैं 3 दोस्तों के साथ इसी बिजनेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स जो रिपेयरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसी बिजनेस में मेरे 3 दोस्त हम लोग आए और तीनों दोस्त आज कहाँ कहाँ हैं मैं ये बताऊंगा। जैसे मेरी औसत इनकम मंथली 30 से 40 के बीच में है, जबकि मेरे एक दोस्त का है उनकी मंथली इनकम लगभग जो 30 से 40 हजार करता हूँ और उनकी जो इनकम है लगभग 2 लाख रुपए है। और जो तीसरी हैं हमारे मित्र जो इसी लाइन में है उनकी इनकम मात्र 10 से 12 हजार रुपए है। तो ऐसा क्यों है, चलिए हम इसी वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, मैं तीनों में से किसी दोस्त का नाम नहीं लूंगा, मैं अपने बताता हूँ लेकिन दोस्तों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनको थोड़ा सा दुख होगा। तो एक हमारे जो मित्र हैं, तो इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले आपको मैं एक बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड जो है उनका कॉन्सेप्ट, उन्हीं का एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो मैं बिल्कुल सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ और जो हम लोग के साथ में घटा हुआ है सेम टू सेम बिल्कुल काफ़ी मिलता जुलता है। इससे आपको ये फायदा होगा कि वो सब क्या क्या गलतियां हैं जो मैंने की हैं या मेरे मित्र ने की हैं जो 10 से 12 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और जो हमारे मित्र हैं जो लगभग 1 से 2 लाख रुपये पर मंथ कमाते हैं, तीनों में क्या हम लोग अंतर किए हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मेरे जो दोस्त हैं जो जिनकी आमदनी 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार, समथिंग 15 हज़ार तक जाता है काफ़ी अगर मेहनत करते हैं तो, नहीं तो 10 से 12 हज़ार रुपये ही वो लगे रहते हैं। तो दोस्तों, वो भी मैकेनिक्स हैं, वो काम क्या करते हैं कि जितने भी इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, टीवी और भी चीज़ें हैं वो रिपेयर करते हैं, कभी वो पंखे भी रिपेयर करते हैं, कूलर भी रिपेयर कर लेते हैं, यानी कि वो मल्टीटास्किंग करते हैं, काफ़ी तरह के काम करते हैं, जैसे आयरन बना लेना, कूलर बना लेना, पंखा बना लेना, LED बनाना, TV बनाना, इन्वर्टर बनाना, स्टेबलाइजर बनाना, तो काफ़ी तरह के वो काम कर लेते हैं, फैन रिवाइंडिंग करना, वो काफ़ी तरह के काम करके लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये, 10 से 15 हज़ार रुपये बीच में कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिक्स का काम करते हैं, यानी कि वो है उनके रॉबर्ट टी कियोस्की की बुक जो है रिच डैड पुअर डैड की कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उनकी ई क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी कि एम्प्लॉय वाले को क्वाड्रेंट में आते हैं, जो अपना काम करते हैं काफी बिखराव तरीके से काम करते हैं, ई और एस का सकते हैं, मतलब ई का मतलब होता है कि एम्प्लॉय, लेकिन एम्प्लॉय नहीं, एस क्वाड्रेंट में आते हैं। और जो उसके बाद मैं आया हूँ, तो मैं बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ लेकिन मैं उनके बी क्वाड्रेंट, एस और बी के बीच में हूँ, न कि एस में हूँ और ना बी से बी में हूँ, मैं दोनों के भी बीच क्वाड्रेंट में हूँ, जबकि मैंने स्टार्ट एस से ही किया था और वो एस का एस में नहीं रह गए, जबकि मैं एस और बी के क्वाड्रेंट में हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इन्वर्टर, स्टेबलाइजर और छोटे मोटे और हल्के फुल्के और काम करता हूँ, लेकिन मेन मेरा काम स्टेबलाइजर और इन्वर्टर ही है और कोई काम नहीं है। तो दोस्तों, मैं भी रिपेयरिंग करता हूँ उन्हीं की तरह, लेकिन उसके साथ में मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, यानी कि अपना प्रोडक्ट भी बनाता हूँ और साथ में सेल्स भी करता हूँ। तो वो केवल रिपेयरिंग पर अटके हुए हैं जो मेरे मित्र हैं, ये जो लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में अटके हुए हैं, और मैं रिपेयरिंग के साथ में, यानी कि मान के लिए कि रिपेयरिंग में भी कर लेता हूँ, तो मान के लिए कि वो 10 कमाते हैं, मैं 8 कमाता हूँ या 10 कमाता हूँ मैं भी,
लेकिन उसके बाद मेरे जो सेल्स है और मैन्युफैक्चरिंग है वो लगभग 25 से 30 या 20 से 25 के बीच में उतना इनकम हो जाता है, इसलिए मैं उनसे आगे हूँ। और देखा जाए तो जो हमारे जो 10 से 15 हज़ार जो कमाते हैं मेरे मित्र, वो मुझसे नॉलेज में मुझसे आगे हैं, क्योंकि वो पंखे के भी काम कर लेते हैं, कूलर के भी काम कर लेते हैं, टीवी के भी काम कर लेते हैं, जबकि मैं भी ये सब करता था एक समय में, शुरुआत मैंने भी किया है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इन्वर्टर और स्टेबलाइजर से टाइम ही नहीं मिलता मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग से कि मैं और कुछ कर देखूँ। तो उसके लिए मैंने आपको बहुत जल्दी मैंने एक बुक वीडियो भी बनाया था डीप वर्क, आप देख सकते हैं, और उसके बाद में और भी इस तरफ की वीडियो भी बनाऊंगा। अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे मित्र की ओर। जो मेरे तीसरे मित्र हैं ये सारे काम जानते हैं, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, रिपेयरिंग सब कुछ करते जानते हैं, लेकिन वो कोई भी चीज़ अपने हाथ से नहीं करते हैं। रिपेयरिंग के लिए एक बंदे को हायर किया हुआ है, उन्हें लगभग 8,000 रुपये के आसपास मंथ देते हैं, और उसके बाद असेंबलिंग के लिए भी एक लड़के हायर किए हुए हैं, उनको लगभग भी 10,000 रुपये के आसपास फोन दे देते हैं। और उसके बाद सेल्स में वो रहते हैं, वो सिर्फ सेल्स के काम करते हैं, और नतीजा ये होता है कि उनका सारा फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने में, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बिक्री हो, तो वो सेल्स कर लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उनको सेल्स ज़्यादा होने के कारण उनके यहाँ इनकम उनकी ज़्यादा है, तो वो बी क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, जबकि मैं और एस और बी में लटका हुआ। उनका काम केवल है कि लोगों से मैन्युफैक्चरिंग करा कर, स्टाफ से मैन्युफैक्चरिंग करा कर, स्टाफ से रिपेयरिंग करा कर, उसके बाद वो उस पर अपना पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, आप किस क्वाड्रेंट में हैं, आप कौन सा काम करते हैं, ये आप पे के आपके ऊपर है। लेकिन आप अगर चाहें तो तेज़ी से केवल रिपेयर करते ना रह जाए, आप जब तक बेचेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बेचने से एक स्टेप आपको ऊपर जाना होगा, रिपेयरिंग से एक स्टेप आगे बढ़कर आप बेचना सीखिए, और बेचने से एक स्टेप आगे बढ़कर लोगों को मैनेज करके सिर्फ बेचने पे आप फोकस कीजिए, उसके बाद आपका इनकम बढ़ जाएगा, ये गारंटी है। और आपकी जो है समय भी बचेगा, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग बेच इसलिए कम पाते हैं क्योंकि मेरे पास मात्र एक या दो स्टाफ रहते हैं, तीन स्टाफ हैं, तो मुझे रिपेयरिंग साथ में करना पड़ता है। और जो मेरे जो मित्र हैं जो ज़्यादा कमा रहे हैं, जो ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, वो उनके पास लगभग 4 से 5 स्टाफ है, और एक जो है जो हमारे दोस्त हैं वो खुद केवल रिपेयरिंग करते हैं। तो रिपेयरिंग वाले में दिक्कत क्या है सर, कि रोज़ एक एक तरह के अलग अलग तरह के फॉल्ट रहते हैं, एक तरह का फॉल्ट आता है नहीं। ताकि अब होता क्या, कोई काम आपको 10 मिनट भी हो जाता है, कोई आपको 3-3 दिन पर भी नहीं होता है। तो होता क्या है कि जो 10 मिनट में आया हुआ वो भी आपको रिपेयरिंग चार्ज उतना ही देगा, और जो 3 दिन या 4 दिन में लग जाता है वो भी आपको रिपेयरिंग चार्ज उतना ही देगा। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो 3-4 दिन आपके बर्बाद करने के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, वो आपको कोई पैसा नहीं देगा। और मैकेनिक्स के साथ ऐसा ही होता है। दूसरी बात, मैकेनिक्स होते हैं वो हमेशा फॉल्ट के मतलब फॉल्ट के सलूशन खोजने में ही समय बिता देते हैं, जबकि जो सेल्स वाले हैं उनको केवल फॉल्ट से मतलब नहीं है, फॉल्ट के लिए लड़के हैं, अगर 2 दिन भी लगा तो उस लड़के को उतना ही मिलेगा, और 10 मिनट भी लगा तो उतना ही मिलेगा, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स पर ध्यान रखते हैं, और जिसका नतीजा होता है उनकी सेल्स काफ़ी होती है और इनकम उनका निश्चित है। तो इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों कि आप रिपेयरिंग के साथ सेल्स में भी ध्यान दें। और इस वीडियो को हमें यहीं समाप्त कर दूँगा, और अगले वीडियो में मैं मेरे एक और मित्र है जो सेल्स भी नहीं करते हैं, सिर्फ वो उनके नाम का दुकान है, ऑफिस है, और सेल्स दूसरे लोगों को करते हैं, उसके बारे में वीडियो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।